गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन जो भी दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ चलिए अभय शंकर पांडे रघुवंशी शिखा अर्पित सिंह अमित कापसे जितेश भोले विनय मौर्य राज बघेल नीरज भारद्वाज लक्ष्मी प्रसाद धीरेन्द्र कुमार पीके यादव सब लोग बहुत बहुत स्वागत चलिए हम लोग बात प्रिलिम्स 2021 को केंद्र में रखकर कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हमारे विषय संज्ञान में होने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं और बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले अन अकेडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हम लोग 10 मार्च से कुछ बैचेस शुरू करें जो कि 2021 हज़ार तीनों की अपेक्षाओं के अनुरूप जिनको सृजित किया गया है कंस्ट्रक्ट किया गया है और इन बैचेस में बाईल हिंदी मीडियम स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम स्पेसिफिक तीनों तरह के अलग अलग बैचेज पूरे सिलेबस को आप प्रॉपर नोट्स के साथ सब सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखा जाएगा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स इस एग्जामिनेशन को लेकर है उसको बहुत एक होलिस्टिकली चीज़ों को हमने डेवलप किया है और इवन जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं भी जिनकी शुरुआत हुई है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी हमारा एक टू ईयर बैच है 2023 नीडलेस टू से जो इंडिया में बेस्ट टीम ऑनलाइन के लिए काम कर रही है वो आपको यहाँ मिलेगा इतना बड़ा नेटवर्क है इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑबियसली जो आपका सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है वो कहीं अलग होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइक जो स्मॉलर एंटिटीज काम करती है। प्रोग्राम को हमने एक साल दो साल तीन साल तीनों के लिए आपके सामने फी स्ट्रक्चर है फी ई तक बेस्ड है अभी कुछ आपको ऑफ़ वगैरह भी इसमें मिल रहा है तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं ठीक है तो ये सारी बातें थी इसको देखिएगा और ये एक सामान्य सा आपके लिए वो था चलिए बात को शुरू करते हैं कल हमने जहाँ पर बात रोकी थी से आगे विषय को ले चल रहे हैं मैं इंडिकेटिव सेंस में कुछ तो सीधे सीधे छोटे टॉपिक्स होंगे जो पूरे विषय आ सकते हैं उस पर जो स्टेटमेंट बन सकते हैं उसकी भी बात करेंगे कुछ मैं इंडिकेशंस दे रहा हूँ वो आप जब कन्वेंशनल जो भी आप इकॉनमी में इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी में जो पढ़ते हैं वहाँ से उस चीज़ को अप्रेस करिएगा तो एक यश नाम का जो ये कार्यक्रम है इस पर नज़र हो यश मैं आपको स्लाइड देखना ज़रूरी है तो आप उसका उपयोग करें मुझे देख के क्या कीजिएगा यश लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विभाग ने सॉरी यश स्कीम लॉन्च करी है ईयर ऑफ ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ अब चूंकि पैंडमिक वाला समय आपका परीक्षा वर्ष है तो इसमें लेकिन सिर्फ पैंडमिक सेंट्रिक नहीं है ठीक है ये ईयर ऑफ अवेयरनेस था और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप लगातार देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर किस तरह से इंडोर्स कर रहे हैं तो ये आगे भी इसके इम्पैक्ट आपको दिखेंगे लेकिन छोटा सा सवाल पूछ ले यश किससे संबद्ध है तो विज्ञान और साथ में स्वास्थ्य तो साइंस टेक्नोलॉजी का हेल्थ रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उस पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए यश नाम की इस रणनीति को लॉन्च किया गया इनिशिएटिव इस बात पर केंद्रित था कि हम पब्लिक एंगेजमेंट को यानी लोक सहभागिता को हम इनक्रेज कर सकें हम समुदायों को सक्षम बना सकें जिससे किस मामले में कि उनकी अवेयरनेस इस कोविड के संदर्भ में उनको बढ़ाया जा सके क्योंकि आपने देखा शुरू में आ, ये बहुत बड़ा इशू था बहुत तरह की भ्रांतियाँ और बहुत अंधविश्वास जैसी चीज़ें बढ़ रही थी उसको टैकल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एन सी एस टी सी इसको थोड़ा सा इंडिया ईयरबुक से एनहांस कर लेंगे जिससे कि इस पर केंद्रित प्रश्न आ सकता है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो अगेन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है इसने यश को लॉन्च किया यानी ये इस कार्यक्रम की एक तरह से निर्धारक एजेंसी थी और कॉम्प्रिहेंसिव साइंस हेल्थ कम्युनिकेशन इनिशिएटिव है ग्रास रूट लेवल पर हम हेल्थ रिलेटेड रिस्पॉन्स को डेवलप कर सकें ये इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था तो हम क्या खतरा है उसको बेहतर उसके लिए समझ डेवलप कर सकें जो घरेलू इंडिजिनस नॉलेज है उसको हम कैसे इस बीमारी के संदर्भ में उसका उपयोग कर सकें व्यवहारगत बदलाव क्या ज़रूरी है लोगों में समाज में लाना उसको और बेसिकली इस पूरे आपदा में हमने देखा जो दुनिया भर के जो आपने अभियान भी देखे थाली बजाने से लेकर ताली बजाने तक कि करेज और कॉन्फिडेंस ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इस विपदा से लड़ सकें तो वो संदर्भ भी इसमें शामिल था तो यश और इससे संबद्ध बातें उसको देखिए एक और विषय आपकी अकादमिक अकादमिक के सीयर में परीक्षा वर्ष में जिस पर हमें नज़र डालनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस ने 40वीं एनिवर्सरी मनाई स्मॉल पॉक्स इेडिकेशन की अब देखिए है केंद्र में बीमारी कोविड लेकिन संभव है कि कोविड की जगह जैसे मैंने उस दिन भी चर्चा करी थी कि हो सकता है कि आपसे ब्यूबॉनिक प्लेग आगे अभी बात करेंगे एपिडेमिक एक्ट करते वक्त तो कोई जरूरी नहीं है आपसे किसी पुराने इस तरह की महामारी के संदर्भ को भी परीक्षा में पूछ सकता है देखने के लिए कि आपने कितना ब्रॉड कवर किया है तो यूएन ने अगर स्मॉल पॉक्स के खात्मे की चालीसवीं वर्षगांठ मनाते हुए इस विषय के संदर्भ में एक स्टैंप जारी किया कमेमोरेट किया तो हमें स्मॉल पॉक्स और इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए तो 2020 में डब्लू ने और यूनाइटेड नेशंस पोस्टर एजेंसी ने यह स्टैम्प जारी किया इस अवसर पर डब्लू स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन ये शुरू हुआ था उन्नीस में उन्नीस में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन शुरू हुआ था 1980 में ऑफिशियली अधिकृत तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिक्लेयर किया कि दुनिया जो है वो स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो चुकी है वर्ल्ड इज फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स का भारतीय संदर्भ अगर देखें तो भारत में भी अब दुनिया से अगर इरेडिकेट हो गया तो भारत से हो ही गया होगा इंडिया इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स और इसके लिए हमने जो कार्यक्रम चलाया वो डेफिनेटली डब्ल्यू एच ओ के प्रयत्नों का फल था चौहत्तर में अगर हम देखें तो इंडिया हाईली अफेक्टेड कंट्रीज में था स्मॉल पॉक्स में दुनिया में और छियासी प्रतिशत जो विश्व के स्मॉल पॉक्स के केसेस थे वो इंडिया में पाए जाते थे तो आप देखिए Case, एक तरह से डिजीज का जिसको बर्डन कहते हैं कि टोटल जितने लोग संक्रमित हैं उसमें आपके देश में कितने हैं इसको कहते हैं डिजीज बर्डन ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री तो 86 परसेंट बर्डन हमारे ऊपर था डब्ल्यू एच ओ की सहायता से इंडिया ने टारगेट ज़ीरो अलग से प्रश्न पूछ सकता है टारगेट ज़ीरो किस बीमारी से संबद्ध था किसी तरह से कुछ कंस्ट्रक्ट हो सकता है तो स्मॉल पॉक्स इस से इसका रिश्ता है और इस प्रोग्राम को तो 1958 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था लेकिन धीरे धीरे जो सत्तर के दशक में जब डब्ल्यू एच आक्रामक हुआ सड़सठ में ये कैंपेन शुरू हुआ उसके बाद से हम इसके लिए सकारात्मक प्रयोग देखते हैं एक और अनुभव हमने देखा कोविड और स्मॉल पॉक्स में अगर आप कंपैरिजन करिए मेंस का इस बार का जो क्वेश्चन था उसमें आ, सीधा संदर्भ जुड़ता है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस तरह की स्वास्थ्य आपदाएं जब आती हैं तो उसमें उनका क्या रोल है उनकी क्या भूमिका है तो देखिए उस समय ये कहीं तुलनात्मक तो तौर पर बहुत बुनियादी इससे लड़ने के लिए चीज़ें चाहिए थी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था कोविड जैसा लेकिन फंड्स नहीं थे वित्तीय संसाधन नहीं थे और इस वजह से कितनी जान माल का इसमें नुकसान हुआ लंबे समय तक लेकिन कोविड में ये समस्या नहीं आई और तेजी से आपने देखा कि पब्लिक प्राइवेट एक संयुक्त प्रयत्न से कैसे हमने इसको इस वायरस के लिए एक जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया तो ये सारी चीजें भी आपको दिखती ठीक है तो ये सारे संदर्भ थे दो तीन चीजें इसमें देखिएगा बात को आगे बढ़ाते अगला विषय कॉन्सोल बॉन्ड्स आपके इस अकादमिक वर्ष में कोविड के ही संघर्ष की उपज में आपको ये अवधारणा भी दिखेगी कंसोल बॉन्ड्स एक क्वेश्चन कहीं स्टिमुलस स्टिमुलस के ऊपर भी आ सकता है। stimulus में कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं एक तो ये जो में आत्मनिर्भर वन आत्मनिर्भर टू आत्मनिर्भर थ्री पॉइंट जीरो इन पर आगे बात करेंगे जब मैं इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर बाय चैप्टर इसी कक्षा क्रम में आपके समक्ष रखूंगा तो सब चीजों को कवर कर लेंगे लेकिन स्टिमुलस होता क्या है ये किसी अर्थव्यवस्था के किन बिंदुओं पर प्रभाव डालता है हम जनरली मानते हैं कि कोई इतने लाख करोड़ इतने हजार करोड़ सिर्फ एक वित्तीय एक तरह की अंशधारिता सरकार ऐसा नहीं है स्टिमुलस में बेसिकली मॉनेटरी पक्ष और फिजिकल पॉलिसी का पक्ष दोनों चीज़ें शामिल होती है ठीक है इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा पॉलिसी आपने देखा पीएलआई स्कीम भी आई है ना अब ओवरऑल मॉनेटरी एफर्ट्स भी हैं मौद्रिक स्तर पर जैसे सेंट्रल बैंक जो पूरी पूरा प्रयत्न करता रहा मॉरेटोरियम और बाकी चीजें इंटरेस्ट रेट रिजीम को सॉफ्ट रखना और फिजिकल पक्ष तो है ही आप देख रहे हैं ओवरऑल क्या सारे एफर्ट्स हुए तो बेसिकली स्टिमुलस इकोनमी को स्टिमुलेट करने के लिए किसी वजह से अर्थव्यवस्था में जड़ता आ रही है शिथिलता आ रही है कमजोरी आ रही है उसको स्टिमुलेट करना वर्ड ही है स्टिम्युलेट करना लेकिन स्टिमुलेट मॉनेटरी मेजर्स से भी करा जाता है और फिजिकल मेजर्स से भी करा जाता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो देखिए बॉन्ड्स शब्द सुनते ही बॉन्ड्स आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह लेकिन कंसोल बॉन्ड्स ये चर्चित बॉन्ड्स रहे हैं और एक बड़ा वर्ग था जिसने ये डिमांड करी कि कोविड के समय में सरकार को कई देशों में ये मांग उठी कि जैसे वर्ल्ड वॉर में जो आपद स्थिति थी वैसी ही स्थितियां हैं मोर और लेस तो कंसोल बॉन्ड के विकल्प को देखा जाना चाहिए ठीक है अब ये होता क्या है कंसोल बॉन्ड बेसिकली सरकारों की जो वित्तीय एक तरह से बड़ी कमज़ोर स्थिति उत्पन्न हो जाती है चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो जाए चाहे वो ऐसी आपदा आ जाए रिसीप्ट प्राप्तियाँ रेवेन्यू खत्म हो जाए ऑलमोस्ट क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ ठप हैं और खर्चा बहुत अधिक है जैसे तो वर्ल्ड वॉर में एक्सपेंडिचर बहुत था कोविड के टाइम में स्टिमुलस है आपको स्टिम्यूलेट करना है पैसे चाहिए अब नोट छाप दे सेंट्रल बैंक तो इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो चिंता उत्पन्न करता है ऐसे में कहीं कुछ संतुलित तरीके उसमें कंसोल बॉन्ड भी एक विकल्प था क्या होता है इसी को परपेचुअल बॉन्ड भी कहते हैं कंसोल बॉन्ड को ही परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है और ये एक तरह से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती आप मान लीजिए सरकार का कोई बॉन्ड आप लें या कोई भी बॉन्ड लें तो बॉन्ड में सबसे बड़ी चीज़ होती है एक मैच्योरिटी डेट होती है आपको पता है, ये ये है इस अवधि तक यह है इसमें मुझे इतना ब्याज मिलेगा जिसको कूपन रेट कहते हैं ठीक है तो जीरो कूपन बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार मैंने पहले भी कक्षाओं में उस पर चर्चा करी है तो कंसोल बॉन्ड या परपैचुअल बॉन्ड एक निश्चित आय का एक वित्तीय उपकरण है पर इसमें कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती सरकार ये नहीं आपसे कहेगी कि आपने जो पैसा मुझे दिया वो इस तारीख में मेच्योर हो जाएगा तब तक मैं ब्याज दूंगा और उस तारीख पर आपको मूल पूरा वापस हो जाएगा मूल प्लस ब्याज जो भी होगा ये ऑब्वियस बात है जब इस तरह एक कह सकते हैं कि कोई अंत ही नहीं है और सबसे बड़ी बात कि जो राज्य है जो बॉन्ड इशू कर रहा है लोगों से पैसे ले रहा है उसके एवज में जनता से वही डिसाइड करता है यानी ये इशूअर के डिस्क्रिप्शन पर है जो इशू कर रहा है बॉन्ड और यहां पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो इशू कर रहा है उसके डिस्क्रिप्शन पर है कि वो कब इसको टर्मिनेट करेगा जब टर्मिनेट करेगा तभी आपके पैसे मिलेंगे आप डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है ओपन एंडेड बॉन्ड्स भी इसको आप कह सकते हैं अब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कंसोल बॉन्ड्स चर्चित हुआ था ब्रिटेन में ब्रिटेन तब तो बहुत बड़ी ताकत था अमेरिका से बड़ी ताकत था तो 1917 में जब इसको ब्रिटिश सरकार ने जब जारी किया तो उद्देश्य यही था कि जनता से युद्ध में जो संसाधन चाहिए वो इकट्ठे करने के लिए जनता से पैसा लिया जा सके और अभी कुछ समय पहले चर्चा में आया था जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम इस बॉन्ड को अब सोचिए 1917 में अभी 2021 की बात कर रहे हैं बीस में सरकार ने कहा कि हम इसके एक पार्ट को हम लोग पे करेंगे तो इस तरह बहुत ही विरल और बहुत ही जटिल स्थितियों में इस तरह के बॉन्ड्स इशू करके भी सरकारें जनता से सहयोग ले सकती हैं और अपनी उस आपदा से लड़ सकती हैं अब देखिए मजे की बात इस बीच चर्चा में रहा पीएम केयर्स आल्सो पीएम केयर्स के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है ठीक है बहुत विवाद में रहा था हंगामा हुआ था वित्त मंत्री ने संसद में समझाया सबको कि पुराना जो प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष है और जो पीएम केयर्स जो नई व्यवस्था आई इसको क्यों लॉन्च किया गया इसको क्यों लागू किया गया पुरानी में क्या समस्याएं हैं जो हम जिनको दूर करना है वो रजिस्टर्ड ही नहीं थी ये कम से कम रजिस्टर्ड है और आरटीआई वगैरह के दायरे में इसको नहीं रखा गया इस वजह से विवाद था खैर अब देखिए दो तरीके हैं सरकार के पास एक है पीएम केयर जैसी योजना जिसमें जनता से ये अपील की गई कि भाई इतनी बड़ी आपदा है आप, आप अपनी क्षमता से जो आपकी इच्छा है आप इस आपदा से लड़ने के लिए जैसे कहीं भूकंप आता है कहीं बाढ़ आती है कहीं सुनामी आती है तो लोगों से अपील की जाती है कि आप दान करिए दिल खोल कर दान करिए जिससे कि जो संकट में लोग हैं उनकी सहायता हो सके और पीएम केयर इसी भाव से सृजित हुआ कोविड के जो आ, संकट हैं उनसे प्रमुखता लड़ने के लिए लेकिन अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग कहता है कि पीएम केयर में तो आपने दे दिया तो वो तो चंदा है आपने दे दिया खत्म हो गया आप उसको जरूर इनकम टैक्स में अपना छूट के लिए एटीजी में उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन बेटर रणनीति होती अगर जन सहभागिता को कंसोल बॉन्ड जैसे विकल्प से बढ़ाया जाता इसमें भी यही काम होता लेकिन इसमें सरकार को भाई भले ही ओपन एंडेड है कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है लेकिन सरकार ने उसको वापस तो करना है ब्याज तो उस पर देना है तो एक इनका कहना ये था कि एक वर्ग का कि हम कंसोल बॉन्ड से अगर पैसा इकट्ठा करते तो ज्यादा अच्छा मैसेज जाता क्योंकि सरकार एक तो अपनी आज आपके पास पैसे नहीं है एक बट अल्टीमेटली काम तो आप ही का है लोगों से आप पैसे लो और फिर उनको एक जो भी न्यूनतम ब्याज दो और जब आपकी स्थिति हो तो आप उस पैसे को वापस करो ये शायद इकोनॉमिक जिसको कहते हैं रैशनैलिटी के हिसाब से शायद बेटर होता खैर ये तो चूंकि मेंस तक का विषय है कि ऐसी चीजों में रणनीति बेहतर क्या है दोनों के अपने पक्ष विपक्ष हैं पर आपको पता होना चाहिए कि पीएम केयर से कंसोल बॉन्ड्स की तुलना क्यों की जाती है एक राजनीतिक या राज व्यवस्था से जुड़ा मसला इस परीक्षा वर्ष में मुझे आकर्षित करता है जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन की प्रक्रिया हुई उसके बाद कुछ उसमें हैं, खास से आर्टिकल चौवन को अच्छे से करके जाइएगा इस पर एक आरटीआई भी फाइल हुई ये मामला अभी कोर्ट में भी लंबित है कि बेसिकली आरटीआई में ये पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि अभी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें जो उसके निर्वाचक मंडल की बात होती है इलेक्टोरल कॉलेज की जो बात होती है भारत के राष्ट्रपति की उसमें जो शब्दावली है उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी ये दो इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं कि ये कहने को आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड यूनियन टेरिटरीज हैं ठीक है पूर्णकालिक राज्य की तो स्थिति है नहीं संविधान में अलग से आर्टिकल्स हैं 239, 239 ए पुडुचेरी का अभी का घटनाक्रम पुडुचेरी को और इम्पोर्टेंट बनाता है परीक्षा के लिए तो 239 ए को 239 को ए को दोनों को कंपैरेटिव पढ़कर जाइएगा अब निर्वाचक मंडल में इन दोनों का उल्लेख है है ना क्योंकि बाद में जब अमेंड किया गया तो इसको जोड़ा गया लेकिन आर्टिकल चौवन साइलेंट है अभी तक कि जम्मू कश्मीर का क्योंकि तो ये भी ऐसी यूनियन टेरिटरी अब हो गई जिसके पास अपना विधानमंडल होगा और सारे संघ शासित प्रदेशों में इन दो को ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्यों शामिल किया गया क्योंकि तो इनके पास अपने विधान मंडल है एक प्रश्न बनता है कि इन्हीं को विधानमंडल क्यों दिया गया उस पर आप जानते हैं राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं कि दिल्ली को चूंकि ये एक मतलब राजधानी भी है प्लस एक तरह का इसका प्रशासन का एक समानांतर ढांचा होना चाहिए था क्योंकि केंद्र सरकार भी दिल्ली में है तो ये माना गया कि दो पैरेलल सिस्टम्स होंगे तो शायद बेटर मैनेज हो जाएगा हालांकि वही संघर्ष बन गया अलग बात पुडुचेरी की विशिष्ट स्थिति एक तो जनसंख्या का थोड़ा सा संदर्भ है उससे ज़्यादा जो तर्क है वो ये है कि आप जानते हैं कि इसको भारत में एक यहाँ एक विदेशी पूरा एक तरह से कब्जा था इसको और जहाँ जहाँ गोवा में इसी तरह था उसको जब लिबरेट कराया गया तो उसके बाद गोवा को धीरे धीरे पूर्णकालिक राज्य बना दिया गया यही स्थिति पुडुचेरी के साथ थी कि लोगों को जोड़ने के लिए कि वो इस कहीं उनके दिमाग में ये ना रहे कि हम लोग किसी और विदेशी शासन परंपरा में थे और तो भारत से जुड़ाव राजनीतिक तौर पर जितना सघन होगा उतना आपको बेहतर देश की एकता अखंडता के लिए मैसेज जाएगा तो ये एक इस तरह आपको यहाँ पर दिखा अब जम्मू कश्मीर यूटी के तौर पर विधानमंडल रखने के बाद भी फिलहाल आर्टिकल 54 में शामिल नहीं है तो आरटीआई ये थी कि भाई जब राष्ट्रपति का अगला चुनाव होगा अभी थोड़ा समय है। तब क्या जम्मू कश्मीर उसमें सहभागिता करेगा और इसकी जो संवैधानिक परिस्थिति है इसकी जो सरकार की वर्तमान जो नीति है दोनों को मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसको समझ सके आर्टिकल चौवन में प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में कहा गया है कि जो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं संसद के और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं और राज्यों के साथ साथ दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का इसमें उल्लेख है अगस्त दो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है इसमें मेंशन अलग से नहीं किया गया कि क्या जम्मू कश्मीर विधानमंडल को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार होगा हालांकि शायद ये इस एक्ट की परिधि में भी नहीं था क्योंकि ये एक्ट अगर ये कह भी देता तो भी ये कहने भर से क्योंकि ये दिस इज नॉर्मल एक्ट पास बाय अ पार्लियामेंट और आर्टिकल चौवन राष्ट्रपति का चुनाव ये बेसिकली इसमें कोई भी अगर अमेंडमेंट करना हो तो आपको क्या चाहिए आपको करना पड़ेगा संविधान संशोधन ठीक है आप जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में इस बात को डालकर कि ये लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है ठीक है तो नॉर्मल लेजिस्लेशन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के भी आप जानते हैं कि तीन धाराएं हैं एक है जैसे नए राज्य का गठन अब वो तकनीकी तौर पर तो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बदलता है क्योंकि आपको पहली अनुसूची बदलनी पड़ेगी अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश से तीन और राज्य बन जाए तो अनुसूची पहली अनुसूची बदलेगी ना तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन तो बदल गया अमेंड हो गया लेकिन इसको आर्टिकल 368 में हम उस जटिल प्रक्रिया में नहीं देखते सामान्य विधायी प्रक्रिया है। फिर है सामान्य संविधान संशोधन जिसमें आपको पता है विशेष बहुमत चाहिए आपको और इसमें राज्यसभा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है तो दो तिहाई बहुमत से आपको संसद से इसको पारित करना होता है तीसरे तरह के संविधान संशोधन है जो सबसे जटिल हैं और इसमें इस, इस विशेष बहुमत के साथ साथ दोनों सदनों में आपको आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी चाहिए होता है यहाँ वो विषय आते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों में या भारत की परिसंघात्मक प्रणाली में जिनका बहुत बड़ा कोई प्रभाव पड़ रहा हो ठीक है तो ओवरऑल ये एक ऐसा विषय है राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें राज्य भी सहभागिता करते हैं और अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली स्टेट्स के जो हित हैं उनको प्रभावित करेगा तो इसके लिए यहां पर ये मर्यादा भी लागू होगी अब फिलहाल आर्टिकल चौवन में जम्मू कश्मीर नहीं है जम्मू कश्मीर का उल्लेख करने के लिए ये प्रक्रिया आपको अपनानी होगी ऐसा संविधान विदों का मानना है इसी विषय से जोड़कर हम ये भी जाने कि क्या दिल्ली और पुडुचेरी मूल संविधान में ही उनको यह अधिकार दिया गया था आपको पता है कि उनको मंडली तब नहीं मिला था तो बेसिकली सत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ बानबे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद इन दोनों को ये भागीदारी का अवसर मिला था आर्टिकल चौवन इससे पहले इस सत्तरवें अमेंडमेंट से पहले सिर्फ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का उल्लेख करता था केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं थे कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो सकता है इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं चाहिए क्यों क्योंकि जो सेक्शन थर्टीन है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 239 ए उसके जो प्रावधान हैं वो जो भी पुडुचेरी की क्षेत्रफल पे लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू होंगे ये चीज़ लिखी हुई है सेक्शन थर्टीन में बट फिर मैं कहूँगा कि ये तर्क बेहद कमज़ोर है क्योंकि ये एक नॉर्मल लेजिस्लेशन है और आप 54 में निर्वाचक मंडल है निर्वाचक मंडल का मतलब उसको बदलने का मतलब है 54 को बदलना और 54 बदलने के लिए न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए बल्कि वो पूरा जो गाजे बाजे वाला अमेंडमेंट है जिसमें राज्य भी शामिल होते हैं वो चाहिए इस तरह से आप इस विषय को देख सकते तो हैं अगला विषय आपने इस पूरे अपने अकादमिक वर्ष में देखा कि भारत रिकॉर्ड लेवल के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ एक थोड़ा सहूलियत केंद्रीय बैंक के पास भी थी सरकार के पास भी थी फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे लगातार 500 बिलियन डॉलर के बाद रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बन रहे हैं यहाँ हालांकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बट तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है चाहता है यूपीएससी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि फॉरेक्स उसके कंपोनेंट उसकी भूमिका किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है तो फॉरेक्स रिजर्व्स ऐसी असेट्स हैं जो कौन रखता है सेंट्रल बैंक रखता है इसके पास भंडारित होते हैं इनमें फॉरेन करेंसीज़ के साथ साथ फॉरेन करेंसीज़ का मतलब है कि इसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं इसमें ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं और इसमें अन्य सरकारी प्रतिभूतियां भी शामिल हो सकती हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि डॉलर येन इनको रखा जाता है ये बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी फॉरेक्स में शामिल होती है ज्यादातर जो विदेशी मुद्रा भंडार के जो पैगिंग बोलते हैं जिसको वो डॉलर में होती है कारण साफ है कि ये सबसे ज्यादा डिजायरेबल सबसे ज्यादा फ्रीली एक्सचेंजेबल करेंसी है सबसे ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली हर बैंक चाहेगा कि हमारे पास उस करेंसी में सबसे अधिक भंडार हो जो जिनकी अंतरराष्ट्रीय मांग हमेशा बनी रहे और जो करेंसी भी सबसे स्थिर करेंसी में से एक हो मजबूत हो ये जो फॉरेक्स असेट्स हैं कई तरह के इनसे पर्पज़ सॉल्व हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा है कि किसी भी ओवरऑल ऐसी स्थिति में जब किसी देश की मुद्रा के ऊपर डिवेल्यूशन का खतरा हो ठीक है उस करेंसी की वैल्यू कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो ऐसे में ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये सेंट्रल बैंक के पास जैसे कोविड में आपने इस बात को लगातार देखा जब जब रूपी डॉलर के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रोंग कहीं उसके ऊपर संकट था तो आपने देखा कि सेंट्रल बैंक जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर्स को निकालता है एल वगैरह ऑपरेशन आपने देखे होंगे तो सेंट्रल बैंक जितने बड़े फॉरेक्स पर बैठा होता है उतना उसके पास असल है कि वो अपनी मुद्रा को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए समय आने पर उसका उपयोग कर सकता है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की जब बात होती है तो उसके चार घटक हैं एक फॉरेन करेंसी असेट्स दूसरा जो स्वर्ण भंडार हैं गोल्ड रिजर्व तीसरा एस डी आर स्पेशल ड्राॅइंग राइट्स चौथा हमारी रिजर्व पोजिशन जो आई में है इन पर भी पीरियोडिकली एसडीआर पर और आई में जो पोजिशंस हैं इस पर प्रश्न आते ध्यान से समझिएगा फॉरेन करेंसी असेट्स ऐसे असेट्स हैं जिनकी वैल्यू बेस्ड होती है करेंसी पर और ये अपने देश की करेंसी नहीं किसी एक स्टेबल बहुत करेंसी uh, के ऊपर इन जनरल इसकी वैल्यू बेस्ड होती है ये पूरे विदेशी मुद्रा भंडार के चारों घटकों में एफ सबसे बड़ा घटक होता है बदलता रहता है रेशियो इनका गोल्ड कितना है एफ कितना है एस कितना है लेकिन एक चीज कांस्टेंट है सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा होगा फॉरेन करेंसी ठीक है लार्जेस्ट होता है इसको डॉलर टर्म्स में हमेशा रखा जाता है जैसे हम कहते हैं पांच सौ बिलियन डॉलर हो गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर हो गया तो हमेशा डॉलर टर्म्स में होता है कारण मैंने ऊपर आपको बता दिया और फॉरेन करेंसी जो असेट्स होते हैं इसमें सबसे अधिक जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है वो होता है जब आपकी नॉन यूएस कोई भी यूनिट हो जैसे यूरो पाउंड ठीक है ये डॉलर के मुकाबले क्योंकि देखिए आपने ये चारों मान लो ये रखी हुई है डॉलर यूरो पाउंड आपके पास एक सर्टेन भंडार है मान लीजिए उसमें अगर यूरो पाउंड इनका डॉलर के रिस्पेक्ट में जो भी विनिमय दर में जो बदलाव आ रहा है उससे आपका विदेशी मुद्रा भंडार कभी ऊपर नीचे होता है बट ऑफ लेट जो इंडिया का फॉरेन करेंसी असेट्स बढ़े हैं ये इस अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं बढ़े हैं आपने देखा होगा कि आपके बाजार में शेयर बाजार में आप कितनी बड़े स्तर पर जो एफ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हजारों करोड़ रुपया जो ये लेकर आ रहे हैं हर महीने ठीक है इसकी इसके थ्रू आपके देश में डॉलर आ रहा है और ये बहुत बड़ा कारण है आपके इस क्वेश्चनिंग का ठीक है क्योंकि बाकी <coughs> एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ने से ये काम हो सकता है बट वो सब तो कोविड में उतना रहा नहीं ठीक है तो पहली चीज़ आपने देखी फॉरेन करेंसी असेट्स ठीक है गोल्ड रिजर्व्स में कुछ बताने लायक नहीं है आप एक स्वर्ण भंडार एक निश्चित और इंडिया में बहुत गोल्ड का आप जानते हैं फैसिनेशन तो वो आपके एक उसको कभी भी आप प्लेज करके आप अपनी इकोनमी को स्टेबल कर सकते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स एस डी आर ठीक है ये एक अंतरराष्ट्रीय एक रिजर्व असेंट माना जाता है जिसे आईएमएफ ने उन्नीस में क्रिएट किया और बेसिकली प्रयत्न था कि अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो अधिकृत जो इस तरह के भंडार हैं उसको एक सुरक्षा हम दे सके एस ना तो कोई मुद्रा है करेंसी है ना ये किसी तरह का कोई क्लेम है आईएमएफ के ऊपर कि आप आईएमएफ से क्लेम कर सको ठीक है ये ना तो करेंसी है ना ये क्लेम है है क्या ये पोटेंशियल क्लेम आप इसको कह सकते हैं मैक्सिमम कि हम आईएमएफ मेंबर्स के जो यूजेबल करेंसीज हैं ना सब लोग इस तरह अपना रिजर्व रखते हैं कभी कोई संकट में आया तो वो उस एक पूल के थ्रू जो आईएमएफ के पास है उसके थ्रू हम उसकी सहायता उस पर्टिकुलर देश की सहायता कर सकते हैं जैसे कमेटी सिस्टम काम करता था ना कि सब लोग हर महीने कुछ कुछ पैसे देते हैं कमेटी में उसके बाद मान लीजिए किसी को ज़रूरत है किसी घर में शादी है बेटी की उसको पैसे चाहिए मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि आप बात को जोड़ सकें तो उसने क्या किया कि इस महीने कमिटी इनकी हम कर देते हैं तो उसको वो सारे पैसे मिल गए और मंथली वो कंट्रीब्यूट कर ही रहे तो उस समय जब उसको जरूरत थी तो उसके पास एक वित्तीय संसाधन आ गए कुछ कुछ इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं ठीक है और स्पेशल ड्राइंग राइट्स को आप इन करेंसीज के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं एस की वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट होती है इसके लिए एक भारत जो कुछ प्रमुख मुद्राएं हैं उनका एक वेटेड बास्केट बनाया गया है और इन मुद्राओं में डॉलर यूरो, येन, युआन और पाउंड शामिल है ये एस्पेक्ट अभी तक नहीं पूछा है ध्यान रखिएगा क्योंकि एस पे तो क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा कभी ना कभी तो ये पूछ सकता है डॉलर येन युआन और पाउंड ये करेंसीज इनका वेटेड बास्केट मिलकर एस डी आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है एक और है कॉन्सेप्टी होल्डिंग इंटरेस्ट रेट इसका मतलब है कि मेंबर्स जो अपनी होल्डिंग्स रखते हैं उस पर उनको एक इंटरेस्ट भी पे किया जाता है क्योंकि आई एम एफ उसका उपयोग कर रहा है तो एक इंटरेस्ट भी मेंबर कंट्रीज को मिलता है और इसीलिए प्रोबेबली इसको रिजर्व्स में हम मानते हैं कभी संकट आए तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं अपने उस आर्थिक संकट से गुजरने के लिए आखिरी पक्ष जो बचा वो है रिजर्व पोजीशन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ में जो रिजर्व पोजीशन है हमारी उसको देख सकते हैं तो रिजर्व ट्रांच पोजिशन जो है इसका मतलब होता है कि हम एक हर कंट्री का एक कोटा है करेंसी का हर मेंबर कंट्री का एक कोटा है जो आईएमएफ में उसको प्रोवाइड करना होता है जो बेसिकली यूटिलाइज हो सकता है अलग अलग परपजेस के लिए और रिजर्व ट्रांच भी चूंकि आपने दिया हुआ है तो आप ही का पैसा है तो ओवरऑल ये भी कभी इमरजेंसी हो तो हम इसको भी आईएमएफ के थ्रू जैसे इक्यानबे में हमने ली थी सहायता तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं ये भी आपका एक असेट माना जाता है तो इस तरह फॉरेक्स रिजर्व्स और उसके विभिन्न घटक इनको हम देख सकते अगला विषय एक पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय संदर्भ को हमें देखना चाहिए एक यूनिक सा हिंदू में इसको कवर किया गया था और काफी चर्चा में रहा था बेंगलोर के पास जो बानेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ये बानेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क इसने बेसिकली एनिमल एडॉप्शन का एक प्रोग्राम वो भी ये कोविड के संकट के समय में इसको करा जिससे कि जो वहाँ पर वन्य प्राणी हैं उनको और लोगों के बीच सामान्य लोगों के बीच एक अंतर संबंध डेवलप किया जा सके जो बानेरघट्टा घट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ये बेसिकली बानेरघट्टा घट्टा नेशनल पार्क जो है इसका एक भाग है तो नेशनल पार्क है उसी में से एक जू अथॉरिटी को उसका एक पार्ट दे दिया गया है जहां बेंगलोर के बहुत पास है तो बड़ी संख्या में लोग यहां जाते हैं पर्यटक और शहर की आपाधापी से दूर और वो फिर ये जो ह्यूमन एनिमल एक वहाँ पर कोरिलेशन बनता है उसके लिए ये एडॉप्शन प्रोग्राम आया ये संस्था थोड़ा आर्थिक तौर पर चाह रही थी कि जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाए और इस बात को एडॉप्शन प्रोग्राम को बहुत सफलता मिली अलग अलग, अलग श्रेणियों में जानवरों को एडॉप्ट करने की बात थी और लोगों को ये भी टैक्स रिबेट भी जो आप एडोप्ट करोगे तो आप उसके रख रखाव के लिए पैसे दोगे और इसमें आपको 80 जी में इनकम टैक्स में रिबेट का भी प्रावधान किया गया 2004 में ये जो बायोलॉजिकल जो पार्क है इसको बानेरघट्टा घट्टा नेशनल पार्क से अलग किया गया था और इसे जू अथॉरिटी ऑफ कर्नाटक के सुपुर्द किया गया 1974 में इसको नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था इस विषय से संबद्ध एक और घटनाक्रम को हमें पकड़ना चाहिए कि ये चंपक दमा हिल्स जो पार्क के अंदर हैं उसकी वजह से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा दो तीन साल के तो जो कोई बड़ा इवेंट इस तरह का हो उसको केंद्र में रखकर जहां वो हुआ है उसके भूगोल को वहां कौन सी बड़ी नदी है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट उनके नदी तंत्र वहाँ पर स्थित नेशनल पार्क्स टाइगर रिजर्व्स बायोलॉजिकल पार्क्स, ये सब चीज़ों को आप बांटकर कर कैटेगराइज करके पढ़िए और भूगोल के सहारे ही चीज़ों पर आगे बढ़िए क्योंकि भूगोल जब पता है पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट है तो वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ कौन कौन सी वन्य प्राणी हैं कौन से पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं विशिष्टता क्या है इस सबको आप वहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं तो ये बानेर भिट्टा पर नज़र रखिएगा अगला विषय हमने पचासवीं वर्षगांठ अपने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मनाई गई इसको 1971 में स्थापित किया गया था तो बेसिकली इसका फिफ्टीथ फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ ये जो डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये जब बना था तो इसको नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए में इसकी एक तरह से इसकी प्रेरणा से बनाया गया था इसको रेप्लीकेट किया गया था कि हमारे पास भी इस तरह की कोई व्यवस्था हो जैसे अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन जो काम करता है और फंडिंग वगैरह को लेकर और कैसे मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में जो फंडिंग का विषय है नीतियाँ जो बननी है अलग अलग वैज्ञानिक संदर्भों में विभिन्न देशों के साथ जो सहयोग करना है इन सब चीज़ों को ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेज करता है ये वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक संस्थाओं को सबको कहीं ना कहीं सशक्त बना रहा है और एक बहुत ही उच्च स्तर के विकेंद्रीकृत व्यवस्था में आप इसको काम करते हुए देखेंगे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें स्कूल कॉलेज डॉक्टर डॉक्टोरल जो काम कर रहे हैं पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स जो युवा वैज्ञानिक हैं स्टार्टअप्स हैं एन हैं सबको साथ लेकर विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये काम कर रहा है सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी पर पर्याप्त ध्यान देते हुए इसके बजट को पिछले कुछ वर्षों में देखें तो ये 100 परसेंट से ज़्यादा बढ़त दिखती है पीआईबी में सरकार ने जब ये वर्षगांठ शुरू हुई ठीक है तो उसमें कुछ अपने प्रमुख उपलब्धियों की पीआईबी पर चर्चा की थी इन कार्यक्रमों पर प्रश्न आ सकते किसी एक चीज़ को पकड़ कर या मैच दी फॉलोइंग करके क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है फिफ्टी फाउंडेशन डे तो ये चार पांच प्रोग्राम जिसकी सरकार लगातार चर्चा कर रही है हम इसको समझते हैं जल्दी से ये क्या है पहला है सुप्रा सुप्रा का मतलब है साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट सुपरा उद्देश्य क्या है न्यू साइंटिफिक और इंजीनियरिंग ब्रेक ब्रेक थ्रूज जो हैं ठीक है जो नए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग जो ब्रेक थ्रू हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए उसकी फंडिंग के लिए काम करता है उसको पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा सके और ये इस तरह के प्रोग्राम्स हों जिनका वैश्विक कोई इम्पैक्ट हो ग्लोबल इम्पैक्ट हो सुप्रा में ये भी इम्पोर्टेंट है दूसरा प्रोग्राम डी का है इरपा इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज प्रोग्राम नाम में ही सब कुछ शामिल है लेकिन एस ई आर बी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ये इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करता है और इसमें जो हाई प्रायोरिटी अब हाई प्रायोरिटी क्या है हाई प्रायोरिटी हैं जो बेसिक नीड्स हैं हेल्थ वाटर इलेक्ट्रिसिटी ये सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता है अनुसंधान करना उच्च प्राथमिकता नहीं है अनुसंधान को आम लोगों के हित में किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सके उस पर बल दिया जाता है तो इसके लिए एस भी सारे व्यवस्था देखता है और फंडामेंटल साइंस को भी बढ़ावा देने के लिए एरपा का प्रयोग किया जाता है जो साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको गठित किया गया और ये प्रमुखतः फंड वित्तीय जो भूमिका है अलग अलग संस्थाओं में उसके लिए एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है अगली स्कीम है निधि स्कीम निधि नेशनल इनिशिएटिव नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन इनोवेश इनोवेशन पर केंद्रित है निधि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन एक एंड टू एंड प्लान है स्टार्टअप्स के लिए जिससे कि इनक्यूबेटर्स को और स्टार्टअप्स को डबल किया जा सके पाँच साल के अंदर ठीक है ये इनक्यूबेटर्स आपने इनोवेशन जब भी पढ़ा होगा टिंकरिंग लैब्स अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह जो क्वेश्चन भी आए हुए हैं तो ये बेसिकली वो एक तरह का व्यवस्थागत एक पहलू है जिसमें स्टार्टअप्स को फ्लरिश करना है तो इन सबको और स्टार्टअप्स को पांच साल में डबल करने के लिए निधि नामक अभियान के अंतर्गत काम चल रहा है अगली स्कीम है मानक की स्कीम मानक मानक का मतलब है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज मिलियन माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज मानक क्या पर्पज है to trigger innovations from annually 10 lakh school children throughout the country to convert their ideas into of course ye bachchon ke school jane wale bachchon ke star par hum 10 lakh ओवरऑल इनोवेशंस को ideas को उनको prototypes में develop करना और बच्चों को उन भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना जो इनोवेशन और ऑन्टरप्रेनोरशिप के लिए एक प्राथमिक भूमिका निभाएंगी तो एक बहुत शैशव छोटी अवस्था से ही हम विज्ञान के प्रति नवाचार के प्रति समर्पित एक कुटुंब को हम किस प्रकार आगे ले जा सकें निधि स्कीम इस संदर्भ में महत्वपूर्ण दिखती है अगली है साथी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथ ही इनमें से ध्यान हर एक में सेपरेट मेंस के क्वेश्चन की संभावना भी है ठीक है डेढ़ सौ शब्द में सबको अलग अलग प्रश्न के तौर पर देख सकते हैं आपकी सरकार जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पचास पचासवीं वर्षगांठ की तैयारियां चल रही हैं तो इन्हीं कार्यक्रमों को आपके सामने रख रही है कि ये हमारी मूलभूत उपलब्धियां अभी फिलहाल हैं तो आप इसके महत्व को संभवतः समझ पाएंगे साथ ही सोफिस्टिकेटेड, एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट इसमें बेसिकली ये आशय है कि ऐसे सेंटर्स को क्रिएट किया जा सके हाउसिंग इक्विपमेंट डेडिकेटेड टू द नीड्स ऑफ एम जो ये मीडियम और स्मॉल है ना माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं उनकी सहायता के लिए बहुत टारगेटेड है क्योंकि इसमें इंडस्ट्री को एकेडमिक जगत से जोड़कर और 125 करोड़ रुपए तक की सहायता ऐसे स्टार्टअप्स को देने की बात है तो साथ ही के संदर्भ में भी सरकार इस पूरे विज्ञान और नवाचार केंद्रित पूरे संदर्भ को आगे बढ़ाना चाहती है तो हमने सुप्रा इर्पा निधि मानक और साथी पांच अलग अलग विषय हो गए इसको आपने यहां पर देखा इस साल चूंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो कोविड रिलेटेड जितने भी ओवरऑल एस्पेक्ट है उसमें जो इंस्टीट्यूशनल जो लीगल फ्रेमवर्क है उसे हमको समझना चाहिए तो एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ये मूलभूत वो कानून था जिसकी शरण में केंद्र और राज्य रहे और जो कुछ इस बीमारी से लड़ने के लिए जो कुछ प्रावधान करने थे वो हो सके और अब एक डिमांड है देश में कि हमें पैंडमिक रिलेटेड आज की जो चुनौतियां हैं अभी तो इसी में सुधार करके चीजों से लड़ने की कोशिश हुई डॉक्टरों को मारा जा रहा था नर्सेस के ऊपर थूका जा रहा था तो जब कानून में होगा तभी तो आप एक्ट कर पाएंगे आप किसी को अगर अपराधी भी सिद्ध करना है तो पहले उस कृत्य को अपराध बना बताना पड़ता है तो ये सब इसमें किया गया लेकिन जरूरत अब ये है कि जब स्थितियां थोड़ी नियंत्रित हों तो भारत एक ब्रिटिश काल के किसी कानून की शरण में ना हो हम अपने देश की ज़रूरतों को आज के समय में देखते हुए हमें पैंडमिक रिलेटेड हमारे पास होलिस्टिक एक्ट होना चाहिए क्या तो अट्ठारह में ये एपिडेमिक डिजीजेस बिल जब आया तो उस समय देश में ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और ये माना गया कि देश में जो उस समय जो उपस्थित कानून थे वो अपर्याप्त थे ऐसी समस्या से लड़ने के लिए क्योंकि इसमें काफी लोगों की निजता उनके अधिकारों को छीनना जरूरी था अब जैसे इसी समय आपने देखा कि कोई टेस्ट ही कराना नहीं चाहता कि मेरी आजादी है मैं टेस्ट कर मैं अपने घर में बंद रहूंगा तो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि आप बीमार हैं तो आप पूरे समाज के लिए खतरा हैं तो राज्य आपकी उस निजता को आपके उस अधिकार को छीन सकता है ये सब कानूनी दृष्टिकोण से उस समय एपिडेमिक डिजीजे एक्ट में अंग्रेजों ने डाला जिससे कि वो उसको नियंत्रित कर सके आज के समय में अगर देखें तो क्योंकि हेल्थ आप जानते हैं स्टेट का इशू है राज्य का और ये हेल्थ एक क्राइसिस था तो केंद्र ने सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू राज्यों को जो उसको निर्देश देने के अधिकार हैं उसको इसमें उपयोग में वो लाए और बेसिकली किस तरह से इसके स्प्रेड को रोका जा सके इसके लिए राज्यों को थोड़ा सा पहले दबाव पर अग फिर राज्य समझने लगे तो फिर एक सहयोगी संघवाद की भावना में चीज़ें आगे बढ़ी एक पक्ष ये ज़रूर है कि ब्रिटिश हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे वो जिस तरह हमको देखते थे आज वर्तमान में लोकतांत्रिक भारत अपनी नागरिकों को उस तरह नहीं देख सकता तो थोड़ा सा भाषा और भाव में एक अंतर लाने की भी ज़रूरत है ये भी एक मांग इस कानून के संदर्भ में उठती है इस कानून की कुछ बड़ी धाराएं जो चर्चा में रहीं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट इस पर नजर डालिएगा एक है सेक्शन टू ए ऑफ दिस एपिडेमिक डिजीजे एक्ट जो क्या सशक्त करता है केंद्र सरकार को कि वो ऐसे कदम उठा सके जो इस महामारी को रोकने के लिए ज़रूरी हो हेल्थ राज्य सूची का विषय है राज्य का विषय है लेकिन सेक्शन दो इस कानून के लगने के बाद उसे सलाहकारी और निर्देशात्मक एडवाइस भी दे सकता है और डायरेक्शंस भी दे सकता है और इसको एनफोर्सेबल इसको एक तरह से आ, उसको बाध्यकारी भी बनवा सकता है तो ये सेक्शन टू ए सेंटर को स्टेट्स के रिस्पेक्ट में एक विशेष ताकत इस कानून की देता है इसमें सरकार को यह भी अधिकार होता है कि वो भारत में आने वाले या भारत से जाने वाले किसी भी परिवहन मोड से किसी की भी तलाशी किसी भी हवाई जहाज को कहीं सैनिटाइज कर देना ये सारे अधिकार भी राज्य को मिल जाते हैं कई देशों के साथ इसका उपयोग भी किया गया अगर कोई ना माने ठीक है अवज्ञा करे डिसोबीडियंस तो उसके लिए एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट का सेक्शन तीन जो है वो कुछ दंड की पेनाल्टीज की भी व्यवस्था करता है और इसमें था सेक्शन 188 भारतीय दंड संहिता का इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 188 इस संदर्भ में लागू होता है ये सेक्शन अगर समुचित प्रक्रिया से किसी भी लोक सेवक द्वारा पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है समुचित विधिक ड्यूली प्रोमलगेटेड अगर समुचित प्रक्रिया से कोई आदेश जारी हुआ है सरकार के किसी सेवक के द्वारा आप उसको अगर डिसोबे करते हैं जैसे धारा एक ही कई जिलों में लगाई गई आपने देखा कई स्थानों पर लगी राज्यों के स्तर पर भी लगी आप डिसोबे करते हैं उसको ड्यूली प्रोसेस में अगर करा गया है तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत आपके ऊपर पूरा वो हो सकता लीगल प्रोटेक्शन मिलता है ऑफिसर्स को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के सेक्शन चार के अंतर्गत इसका सेक्शन चार कानूनी तौर पर क्योंकि जो लोग इन्फोर्स करवा रहे हैं बाद में आप ऐसा ना हो जब स्थिति सामान्य हो तो आप न्यायालय में जाकर उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करने की मांग करो तो ये एक लीगल प्रोटेक्शन है लोक अधिकारियों के संदर्भ में और सेक्शन फोर को भी हम इंपॉर्टेंट इसके मानते हैं अब वर्तमान जो कोरोना आपदी आपदा में जो स्थितियां निर्मित हुई अप्रिय स्थितियां उसको देखते हुए जो अमेंडमेंट्स हुए ये भी आपसे पूछ सकता है तो कैबिनेट ने इसको पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड किया था बाद में इसको समुचित प्रक्रिया से कानूनी शक्ल दी गई कि अगर कोई भी है ना आप ऐसा हिंसा का खुद आचरण करें या हिंसा भड़काने का आप कोई आपका एक्ट हो उन लोगों के विरुद्ध जो सेवा प्रदान कर रहे हैं जो इनको आपने कोरोना वॉरियर्स कहा ठीक है अब ओवरऑल उसको अगर देखें तो आप तीन महीने से पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है ये कानून में बदलाव लाया गया जिससे कि ये डॉक्टरों और नर्सों और पुलिस वालों पर जो हमले हो रहे थे इसको रोका जा सके इसके साथ आर्थिक दंड भी पचास हज़ार से दो लाख तक का हो सकता है इस बात को भी इसमें शामिल किया गया अगर आप कोई मतलब बहुत ही मतलब जानलेवा हमला जैसा बहुत गंभीर चोट पहुंचाते हैं ऐसे लोक सेवकों को जो आपकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो आपको छः महीने से सात साल तक की सज़ा हो सकती है एक लाख से पाँच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया तो ये भी एक पक्ष आपको यहाँ पर दिखेगा तो इस तरह से एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट इसकी प्रमुख धाराएं इसका प्रभाव और फिर मेंस के लिए इसको तैयार करिएगा कि क्या इंडिया को जरूरत है एक होलिस्टिक एक समग्र किसी इस तरह की आपदा से लड़ने के कानून की शायद हम लोग कहीं पीछे पुराने पड़ गए हैं बाकी संदर्भ एक विषय और आज आखिरी करते हैं फिर बात को खत्म करेंगे इस अकादमिक परीक्षा वर्ष में हमने देखा विशाखापट्टनम में एक गैस लीक का एक आपदा देखी गई थीम्स को पकड़िएगा देखिए आप लोग पढ़ते हैं कि विशाखापट्टनम में हुआ स्टेर गैस थी स्टेर गैस में क्या क्या होता है इम्पोर्टेंट है वो भी पूछ सकता है लेकिन व्यापक बनाइए जो पेपर आता है और जो हम पढ़ के जाते हैं उसके बीच अंतराल क्यों रह जाता है क्योंकि हम उसको थीम की तरह डेवलप नहीं करते उसमें विस्तार में जाना होगा एसोसिएटेड टॉपिक्स को देखना होगा तो ऐसा ही एक विषय ले रहा हूँ ये हमसे पूछ सकता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहाँ कुछ आ, भोपाल गैस कांड के बाद भी चीज़ें रुकी नहीं है हालांकि ईश्वर की अनुकंपा है कि उस स्तर का कोई हमने विप्लव नहीं देखा लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कभी भी बड़ी हो सकती तो भारत में कानून क्या है इस तरह की दुर्घटनाओं के संदर्भ में हमारे पास भारत की जनता के पास ओवरऑल क्या संरक्षण है कानूनी संरक्षण क्या है तो जितने भी कानून प्रभावी होते हैं वो आपके सामने है इनको देखने का प्रयत्न करिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस ठीक है ये मूल कानून है अब आपको देखने में लगेगा ये तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर है लेकिन इस तरह के जो कभी इंडस्ट्रियल कोई डिजास्टर हो कभी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है ये शक्ति देता है केंद्र सरकार को वो बेसिकली पर्यावरण को सुधारने के लिए और इस संदर्भ में कुछ मापदंड निर्मित करने के लिए औद्योगिक इकाइयां जो देश में काम कर रही हैं उनकी जांच इंस्पेक्शन से लेकर उनके लिए गाइडलाइंस को डेवलप कर सकती है तो मूल संरक्षण तो उन्नीस के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से हमको मिलता है फिर एक इक्यानवे का कानून है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ये ध्यान रखिएगा ये बेसिकली एक तरह से एक इंश्योरेंस है जो भी लोग प्रभावित हों ऐसे किसी भी एक्सीडेंट की वजह से और ये एक्सीडेंट खास तौर से खतरनाक कुछ पदार्थों के उनके रख रखाव से संबंधित हो जैसे विशाखापट्टनम में हुआ तो आप इस कानून के माध्यम से आपको एक तरह का बीमा इंश्योरेंस आपके लिए उपलब्ध है और इसमें आपकी आर्थिक क्षतिपूर्ति हो सकती है तीसरा संरक्षण है उन्नीस का नेशनल इनवायरमेंट एपीलेट अथॉरिटी एक्ट ठीक है यह एक कानून है इस कानून के अनुसार नेशनल एनवायरमेंट एपीलेट अथॉरिटी है ठीक है इसको भी ध्यान रखिएगा एनजीटी पर इतने क्वेश्चन बन चुके हैं उससे ध्यान हटकर यहां आ सकता है नेशनल इन्वायरमेंट एपीलेट अथॉरिटी है जो बेसिकली अपील सुनती है ऐसे मामलों में जहां इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी ऑपरेशंस को लेकर उनकी प्रक्रियाओं को लेकर और इनमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखती है कहीं तो आप इस अथॉरिटी के समक्ष अपील कर सकते हैं है ना और बेसिकली ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो भी ज़रूरी सुरक्षा उपाय हैं उनको लागू करवाने के लिए भी अथॉरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है तो तीसरा संरक्षण हमें इस कानून से मिलता है चौथी बात आ गई 2010 का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट और ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है माना जाता है आज अगर मान लीजिए भोपाल कांड होता आज तो अंतिम जो सुनवाई होती अब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इससे ऊपर है लेकिन अगर हम हाई कोर्ट और इसमें तुलना करें तो सारे ऐसे मामलों का डिस्पोजल जो है वो एनजीटी में होता तो ये एक तरह से एक विधिक अधिशास्ती है इंडस्ट्रीज के लिए और हम लोगों को एक यहाँ पर न्यायिक अनुतोष मिलने की एक जुडिशियल रिलीफ मिलने की संभावना दिखती है तो ये भी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं और चलिए ये जो बातें हैं हमने इसको देखा ठीक है आज यही बात को रोकते हैं तो हम ये सारे संदर्भ भी ध्यान रखें ये सारे विषय थे इसको देखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा जिससे कि आप अगर इसका उपयोग अलग से करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं देख लेता हूँ एक बार कोई और प्रश्न वगैरह हो तो हम अच्छा रजत पूछ रहा है अनुसमर्थन मतलब राज्य की बात रजत कर रहे हो अगर तो राज्य में क्या है कि राज्य में साधारण बहुमत से उसको पारित होना होता है वहां पर कोई विशेष बहुमत नहीं है ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो। और कुछ तो नहीं है पीडीएफ मैं थोड़ा साइड काम है तो नीचे आ जाता हूँ भाई स्लाइड ही रहती है ऊपर है ना हा? आप चाहें तो मैं ऐसे भी गायब भी हो सकता हूं अगर आपको इस तरह हो तो आप पीछे आकाशवाणी गूंजती रहेगी मुझे कोई शौक नहीं है कि आप मुझे देखें लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड वो नहीं रहता है हाँ ठीक है वो मैं समझ गया आपकी बात एक्चुअली हम लोग अब आ, कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह उस तरह से इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हम लोग कर नहीं सकते हैं उसके लिए मना ही है तो वो पीडीएफ इसलिए आपको नहीं दे सकते ऋषि कह रहे हैं ऋषि बट ऑबवियसली देयर इज अ प्लेलिस्ट ठीक है देयर इज अ प्लेलिस्ट मेंटेन इट्स नॉट शोइंग आई 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 टेल देम टू हेल्प इन दैट रिगार्ड देयर इज अ प्लेलिस्ट एवरी क्लास आई थिंक सेवेंटी फाइव क्लासेस सो फार आई हैव टेकन फ्रॉम डीएनए टिल ये तो अभी आज सेकंड ही है तो होल प्लेलिस्ट इज अवेलेबल तो आप प्री के बाद भी यू कैन यूज़ इट ठीक है ठीक है ठीक कोई बात चलिए फिर मिलते हैं अब मैं अभी टाइमिंग को देखता हूँ कल नहीं है क्लास ठीक है मैं मतलब मैं चार दिन निकाल रहा हूँ प्रोबेबली तो शायद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे है ना मैं ग्यारह बजे दिन में ही लेना चाह रहा हूँ तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे मैं थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा ग्रुप में उसको शायद सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाता है है ना तो अब कल वैसे ही मेरा बैक टू बैक क्लासेस हैं तो मैं ये नहीं ले पाऊँगा बट हम उसको कवर कर लेंगे पूरा जितना करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग वो रहिएगा ठीक है हाँ तो अभी दो तीन दिन आपकी ये वाली क्लास नहीं होगी उसके बाद थर्सडे से थर्सडे से संडे तक मैं इसको थोड़ा टाइम बढ़ा दें भले ही उसको मैं मैनेज करूँगा चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मिलते हैं